हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉनसून आते ही गर्मियों से राहत मिल जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, क्लाइमेट बहुत अच्छा लगने लगता है। पर मॉनसून अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। जितनी भी जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज या फिर मच्छर में फैलने वाली बीमारियां हैं, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो इस टाइम पर अपने पीक पर होती हैं। वैसे आप कितना भी ख्याल रख लीजिए, अगर कोई बीमारी होनी है तो वो होनी ही है। पर बीइंग अ पेरेंट, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी कोई लापरवाही की वजह से बच्चे को कोई बीमारी ना लगे। मैंने कुछ चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है टू टेक केयर ऑफ माई बेबी इन दिस मॉनसून। मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ आपसे शेयर करूंगी। अगर इसमें कुछ मेंशन मैंने नहीं किया है जो आप अपने बच्चे के लिए फॉलो करते हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं उसे जरूर फॉलो करूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर। जितने भी जर्म्स हैं वो सारे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं पानी के अंदर ही। तो इसीलिए हमें ख्याल रखना है कि जो पानी है बच्चों के लिए इस्तेमाल करने वाला, उसे हम हमेशा बॉईल करके यूज़ करें। अगर आप कोई प्यूरीफायर भी यूज़ करते हैं तो भी उस प्यूरीफाइड वाटर को आप बॉईल करके यूज़ करिए, बच्चे के सेरेलैक्स बनाने में या फिर फॉर्मूला मिल्क बनाने में या फिर सिंपली पिलाने के लिए भी। इसके लिए आप पानी को बॉईल करके उसे थोड़ा सा ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं थर्मस में, और फिर आप इसे थ्रू आउट द डे यूज़ कर सकते हैं। इससे एक और एडवांटेज मिलेगा कि बच्चे को हमेशा वार्म वाटर पीने को मिलेगा, जिससे उसके शरीर में गर्माहट रहेगी और जो कोल्ड कफ है वो दूर रहेंगे। सेकेंड पॉइंट है फूड। आप हमेशा बच्चे को फ्रेश कुक फूड खिलाएं, क्योंकि बारिश में खाना खराब होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। रॉ फूड अवॉइड करें, लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पर उनमें काफ़ी डर्ट लगा होता है और उसे क्लीन करना इजी नहीं होता है। आप हमेशा बच्चे को वार्म फूड दें ताकि उसके शरीर को गर्माहट मिलती रहे, और अगर आप खाना बच जाता है उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फ्रिज में स्टोर करें एयरटाइट डब्बे में ही। और जब आप नेक्स्ट टाइम बच्चे को ये खाना खिला रहे हैं तो स्पेशली तीन चीज़ें चेक करें कि खाने का कलर तो चेंज नहीं हुआ है, खाने का जो स्मेल है वो चेंज तो नहीं हुआ है, या फिर आप पहले खुद खाने को टेस्ट करके देखें कि खाने के टेस्ट में कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, और उसके बाद ही बच्चे को दें। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं हमेशा फ्रेश बनाकर ही बच्चे को खाना खिलाऊँ, और जो ये स्टोर करके खाना खिलाने का जो तरीका है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। पानी और खाने की तरह बच्चों के कपड़ों का भी उतना ही ख्याल रखना होता है मॉनसून में, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब एक ही दिन में आप अलग अलग टेम्परेचर चेंजेस को फील कर सकते हैं। जैसे किसी दिन बारिश हो रही है तो सब कुछ बहुत ठंडा हो जाता है, किसी दिन अचानक धूप निकल आती है तो चिपचिपी वाली गर्मी फील होती है, अचानक से कभी कभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो अब इन सारे चेंजेस को हमारी बॉडी इजीली एडजस्ट कर लेती है, पर बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या फिर जिनकी फर्स्ट बारिश होती है, उन बच्चों का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। तो आप कपड़े हमेशा बच्चे को कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनाएं, और कपड़ों को लेयर्स में पहनाएं। जैसे आपने अंदर वेस्ट पहना दिया और फिर उसके ऊपर एक फुल स्लीव या हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट पहना दी, अगर कभी आपको फील हो रहा है कि थोड़ी गर्मी लग रही है तो आप ऊपर का टी शर्ट रिमूव करके उन्हें वेस्ट में रहने दे सकते हैं, इससे बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम बारिश में फेस करते हैं वो है ये कि कपड़े प्रॉपरली सूखते नहीं है, उनमें हमेशा एक मॉइस्चर रह जाता है, नमी रह जाती है। तो ऐसे ठंडे कपड़े बच्चों को पहनाने से अच्छा है कि हम कपड़ों को पहले आयन कर लें, पहनाने से पहले आयन कर लें, उनको थोड़ा वार्म कर दें और फिर बच्चे को ये वार्म कपड़े पहनाएं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाइजीन। हाइजीन में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले मैं बच्चे के पर्सनल हाइजीन की बात करूंगी। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि बच्चों के हाथ जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डर्ट अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली जो फिंगर्स के फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी डर्ट जमा हो जाता है, और बच्चों की आदत होती है कि वो अपने हाथों को बार बार मुंह में लेते हैं। तो हमें बच्चों के हाथों को क्लीन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली उनके नेल्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो नेल्स को हमेशा कट करके रखना, क्लीन रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बारिश में हमें एक और सवाल आता है कि बच्चे को रोज़ नहलाना चाहिए या नहीं, या फिर अगर नहलाया तो उन्हें कुछ बीमारी होनी हो जाएगी, जैसे फीवर, कोल्ड कफ। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, बच्चे को आप रोज़ नहलाइए, इससे उनका शरीर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। जैसे जो गर्दन का फोल्ड हो गया, आर्म पिट हो गया, या फिर थाई फोल्ड हो गया, या फिर डायपर एरिया हो गया, ये प्रॉपरली क्लीन हो जाता है नहलाने से, और इससे कोई उन्हें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगी और अदर जो बीमारियाँ वो भी नहीं होंगी। बस आपको नहलाते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो नहाने का टाइम है वो बहुत कम कर देना है, जैसे 2 से 3 मिनट में बस उन्हें फटाफट नहला के एक बड़े टॉवल में कवर करके उन्हें अच्छे से वार्म फील देना है।
नेक्स्ट आपको आपके घर को प्रॉपरली क्लीन रखना है, जैसे आपको हमेशा अपना फ्लोर क्लीन रखना है क्योंकि बच्चे का जो पहला प्लेग्राउंड होता है वो फ्लोर होता है, तो फ्लोर को बहुत क्लीन रखिए, स्पेशली वो जगह जहाँ पर बच्चे का रीच है, जो सरफेसेस हैं जहाँ जहाँ पे बच्चा टच करता है उन्हें हमेशा क्लीन रखिए। वैसे भी अभी हम कोरोना वाले पीरियड में हैं तो हमें एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है। आप बच्चे के टॉयज को हर अल्टरनेट डेज या फिर जैसे भी आपको सूटेबल होता है आप क्लीन करके ही बच्चे को खेलने के लिए दें, क्योंकि टॉयज मुंह में लेने की भी आदत बच्चों को होती है। और जो भी आप खाने पीने के लिए बच्चों का जो यूज करते हैं स्पून प्लेट्स या फिर जो कुछ भी चीजें आप यूज करते हैं उन्हें प्रॉपरली वॉश करें। बच्चों के बॉटल्स को अच्छे से स्टरलाइज करके यूज करिए। प्ले मैट्स को भी क्लीन करना वॉश करना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्ले मैट्स भी बहुत जल्दी डर्ट अट्रैक्ट करते हैं। बच्चों के लिए सेपरेट टॉवल रखें, उनका टॉवल कोई और घर में यूज ना करें, ये ध्यान रखिए। तो हाइजीन को लेकर ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मॉनसून में आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा डायपर फ्री रखिए क्योंकि इस टाइम पर ऑलरेडी सब कुछ इतना नमी भरा होता है, ठंडक होता है, ठंडक रहती है सब जगह, तो अगर बच्चा ज्यादा टाइम गीले डायपर में रहेगा तो उसे स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन रैशेज होने के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को दिन भर डायपर फ्री रखिए। कॉटन की नैपेस पहना सकते हैं, कॉटन के जो डायपर्स होते हैं वो आप पहना सकते हैं, कपड़े वाले डायपर्स। रात में आप बेशक उन्हें डायपर में रख सकते हैं पर दिन भर आप उन्हें डायपर फ्री रखिए, ये काफी अच्छा रहेगा कोई भी स्किन प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन। हो सकता है बारिश में हम बच्चे को बारी बारी पानी पिलाना या जूसेस पिलाना मिस आउट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, पर हमें ये ख्याल रखना है कि बारिश में जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है उस वजह से बॉडी काफी सारा फ्लूइड रिमूव कर जाती है और इस टाइम पर बच्चों को कई बार बहुत सारा पी भी आ रहा होता है हर 5 मिनट में 10 मिनट में, जिसकी वजह से बॉडी काफी सारा फ्लूइड रिमूव कर देती है और इस वजह से डिहाइड्रेशन ना हो इसीलिए हमें उन्हें बारी बारी पानी पिलाते रहना चाहिए या फिर जो भी आप जूस पिला रहे हैं बच्चे को वो पिलाते रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको पता है उसे बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। जो भी आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं या फिर ब्रेस्ट मिल्क देते हैं वो उसे 1.5 से 2 घंटे के बाद पिलाते रहिए ताकि हाइड्रेटेड रहे बेबी। नेक्स्ट पॉइंट है मसाज। बारिश में भी आप बच्चों का रेगुलर मसाज करिए जैसे आप हमेशा करते हैं। इसके लिए आप जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियोस में बताया है ग्रीसी जो स्टिकी ऑयल्स होते हैं उनको ना लगाकर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बहुत हल्का होता है, इजीली बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है और जब आप नहला रहे हैं तो इजीली रिमूव भी हो जाता है बॉडी में से। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जल्दी से चेक कर लीजिए कि बच्चे का कोई वैक्सीनेशन डिले तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसे और डिले ना करते हुए जल्दी से वो वैक्सीनेशन बेबी को दिलवा दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे को कोई भी बीमारी से बचाने के लिए। और वैसे भी अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे हम भी या फिर बच्चे को भी हम हॉस्पिटल्स ले जाना नहीं चाहेंगे किसी भी बीमारी की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर द मेन हॉट जोन्स ऑफ कोरोना और हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे हॉस्पिटल किसी भी रीजन से। तो वैक्सीनेशन बच्चे का अगर पेंडिंग है तो उसे जरूर दिलवा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है होम रेमेडीज। कई बार आपको आइडिया आ जाता है कुछ भी बीमारी होने से पहले कि हाँ बच्चे को ये हो सकता है या होने वाला है, जैसे कोल्ड हो गया तो कोल्ड होने के पहले ही आपको थोड़े सिम्टम्स दिख जाएंगे बच्चे में, जैसे थोड़ा थोड़ा नाक बहना या फिर बच्चा बार बार नाक में ऐसे इचिंग कर रहा है या फिर कान खुजा रहा है, तो इस वजह से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ शायद बच्चे को हो सकता है। तो वो बीमारी होने के पहले ही आप इमीडिएट एक्शन लेकर होम रेमेडीज जो आप करते हैं वो आप बच्चे के लिए कर सकते हैं। जैसे हल्दी वाला दूध तो आप रोज ही पिलाइए हर रात को। उसके अलावा मैं अगर मेरा बताऊं तो मेरी बेबी के लिए वो जो अजवाइन होती है वो उसे मैं गर्म करके उसका सेक देती हूँ, ये उसके लिए हेल्पफुल है, उसको इफेक्ट करता है ये। आप फाइंड आउट करिए कि आपके बच्चे के लिए क्या हेल्पफुल रहेगा और वो ट्राई करिए। लास्ट पॉइंट है फर्स्ट एड। तो आप जो भी बच्चे के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो आप इंस्टेंट बच्चे को दे सकते हैं अगर उसे कुछ हो रहा है जिससे उसे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, वो एक फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर आप रेडी करके रखिए। हो सकता है रात में अगर बच्चे को कुछ हो जाए, आप हॉस्पिटल जाने के लिए वेट कर रहे हैं सुबह का, पर उस पीरियड में वो रात का टाइम निकालने के लिए आप बच्चे को इमिडिएटली कोई दवाई दे दें जिससे उसे रिलीफ मिल जाए, जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब भी हो, जो आपने पहले यूज़ की हो और आपको पता है ये बच्चे के लिए असर करती है। तो ऐसी दवाइयाँ आप फर्स्ट एड में जरूर रखिए ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो आप उसे को फेस करने के लिए रेडी रहें। सो गाइस दीज वर द पॉइंट्स। आई रियली होप आपको ये हेल्पफुल लगे हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो। अगर लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को और शेयर करिए ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प मिल सके इनसे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट आपका मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच।
सो टेक केयर ऑफ योर बेबी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।